गाइस बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके आईफोन का स्टोरेज 34 GB या 64 GB तक ही देखने को मिलता है और उन्हें हमेशा गाइस स्टोरेज का इशू देखने को मिलता है क्योंकि उनका स्टोरेज लिमिटेड होता है गाइस और बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी आप सभी लोगों को डाटा देखने को मिलता है आपके आईफोन में जो आप सभी लोगों को चाहिए भी नहीं और वो गाइस आप सभी लोगों को फोन में रहता है और आप सभी लोगों को पता भी नहीं होता कैसे उन्हें डिलीट या रिमूव करना है। सो गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप सभी लोग अपने आईफोन को स्टोरेज को क्लीन कर सकते हो और अपने आईफोन के अननेसेसरी जो कैचेस वगैरह हैं जो डाटास वगैरह है कैसे आप सभी लोग उसे रिमूव कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में 7 या 8 स्टेप मैं बताने वाला हूं गाइस जिससे कि आप सभी लोग को स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना गाइस। सो गाइस सबसे पहले जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में गाइस। सेटिंग में जाते ही आप सभी लोग को जाना है जनरल में। जनरल पे क्लिक करते ही आप सभी लोग देखोगे आईफोन स्टोरेज पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका कितना स्टोरेज बाकी है वो सब देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरा फोन 64 GB स्टोरेज वाला है और इसमें भर चुका है गाइस 3 GB भरा हुआ है मेरा फोन का स्टोरेज। तो गाइस फर्स्ट स्टेप आप सभी लोग को यही करना है, तो आप सभी लोग को सिंपली इसे बैक करना है और अपने फोन को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करना गाइस, स्लाइड कर देना। सो गाइस रीस्टार्ट करते ही इसे अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करते ही फिर से आपको जाना है जनरल में और अब देखते हैं मेरे फोन का, देखिए स्टोरेज दिख रहा है 52.6 GB। मतलब मेरा फोन का भी स्टोरेज था जो फुल था गाइस 53.3 GB और अब दिख रहा है 52.6 GB। तो गाइस ये कैसे हुआ? तो ये ऐसा होता है गाइस कि जब भी आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके मतलब रीस्टार्ट करते हो गाइस तो आपके फोन को जितने भी कैचेस वगैरह होते हैं जो अननेसेसरी कैचेस वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। सिंपली आपने फोन को गाइस रीस्टार्ट करना है और आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा 1 GB स्टोरेज खाली हो गया जो कि अभी दिख रहा है 52.3 GB, पर तभी दिख रहा था 52.6 GB लेकिन अभी दिख रहा है 52.3 GB। तो गाइस मेरा ऑलमोस्ट 1 GB स्टोरेज खाली हो गया गाइस। सो गाइस और नेक्स्ट स्टेप करना है गाइस, आप से लोग को कहीं नहीं जाना है। ये आप से लोग देख रहे हो ऑफलोड अनयूज एप्स। तो गाइस आप सभी लोग को ये ऑफलोड अनयूज एप जो है गाइस जो भी आपके फोन में अननेसेसरी जो एप्स वगैरह होते हैं जिनको आप सभी लोग कभी यूज नहीं करते हैं तो उन्हें गाइस ये ऑफलोड कर देता है। ऑफलोड मतलब इसे अनेबल कर देना गाइस। तो गाइस आप सभी लोग को नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आप सभी लोग के पास जितने भी एप्स हैं जो इनके एप्स के डाटास वगैरह होते हैं जैसे फोटोज है, बैटल ग्राउंड जो मेरा पबजी है, VN ऐप है और व्हाट्सएप है, इन सबको जो डेटा है गाइस उसे क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है? जैसे कि हम VN ऐप का एग्जांपल लेते हैं तो गाइस VN ऐप पे क्लिक करना है। VN ऐप पे क्लिक करते ही आप लोग को ऐप साइज देख रहे हैं 272.8 MB है और उसका डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा आप लोग को 680.3 MB देख रहे को मिल रहा है। तो गाइस सिंपली आप लोग को करना है ऑफलोड ऐप, तो ऑफलोड ऐप करेंगे। ऑफलोड करते ही आप देख रहे हैं गाइस ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा 3.48 GB देखने को मिल रहा है, 3.48 GB देखने को मिल रहा है, तो इसे गाइस सिंपली कर देना है डिलीट। ऐसे ही गाइस आप से लोग को जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का भी देख रहे हैं 208 MB आप से लोग देखने को मिल रहा है ऐप साइज और इसमें डॉक्यूमेंट्स डाटा आप से देखने को मिल रहा है 369.4 MB, तो इसे भी करना है गाइस ऑफलोड और इसे भी करना है गाइस डिलीट ऐप। डिलीट ऐप करते ही गाइस आप सभी लोग को बैक जाना है। बैक जाते ही गाइस आप सभी लोग फिर से अपने ऐप स्टोर को खोलना है। ऐप स्टोर को खोलते ही आप सभी लोग को सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम को गाइस फिर से रीइंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस आप जब उसे रीइंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो डाटा होगा वो हट जाएगा और आपको फिर से इसमें अपने आईडी को लॉगिन करके आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जितने देख रहे हैं मेरा जो डाटा कम हुआ है 49.1 GB हो गया जो कि मेरा अभी था 52.4 GB था, अभी देख रहा है 49.1 GB। देख रहे मेरा कितना ज्यादा जो स्टोरेज है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। तो गाइस ऐसे ही आप सभी लोग को अपने भी जितने भी आपका डाटा है या आपके जितने भी एप्स का जो डाटा है जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, बैटल ग्राउंड हो गया, यूट्यूब हो गया, सबको ऐसे ही करके गाइस ऑफलोड कर देना है और इसे डिलीट कर देना है गाइस। सबको ऐसे ही करना है गाइस, जितने भी आपका डाटा है फेसबुक वगैरह होगा सबको ऑफलोड करना है और इसे डिलीट कर देना है गाइस और डिलीट कर देना है। डिलीट करते ही
आप सभी लोग डिलीट करके और फिर से रीइंस्टॉल करके अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है। आपका स्टोरेज बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं अभी मेरा स्टोरेज कितना ज्यादा खाली हो गया, 47.8 GB देख रहे हो मेरा। तो मेरा ऑलमोस्ट गाइस अभी तक का 6 से 7 GB स्टोरेज खाली हो गया है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को दिखाया था अभी, लेकिन अभी मेरा देख रहा है 47.8 GB गाइस। तो गाइस ऐसे ही अपने जो भी अननेसेसरी ऐप है, जो भी आपके ऐप है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इन सबको, टेलीग्राम हो गया, इन सबको ऐसे ही करना गाइस, जाना है ऑफलोड ऐप करना है और डिलीट कर देना गाइस। यहाँ से ऐप को डिलीट करके फिर से रीइंस्टॉल कर लेना है, आपको रीइंस्टॉल अपने ऐप स्टोर से जाके फिर से रीइंस्टॉल कर लेना है। रिस्टोर करके आप से लोग फिर से अपने आईडी या जो भी है उसे लॉगिन करके आप से लोग चलाना, तो आपका बहुत ज्यादा आपका जो स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा। जैसे अभी मेरे स्टोरेज देख रहा हूँ 47.3 GB देख रहा हूँ मेरा गाइस। और नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करना है, जाना अपने सेटिंग में और जाना है आप से लोग को अपने सफारी ऐप में गाइस। सफारी ऐप में क्लिक करते ही आप से लोग को नीचे स्क्रोल करते जाना है और आप से लोग देखने को मिलेगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेब डाटा, तो आप से लोग को इसे क्लियर कर देना है। क्लियर करते ही आप लोग फिर से बैक आ जाना है और अब देखते हैं मेरा कितना स्टोरेज खाली हुआ गाइस। फिर से जाना है जनरल आईफोन, तो अभी देख रहे हैं मेरा जो देखने को मेरा गाइस 46.8 GB देखें, ऑलमोस्ट मेरा 500 से लेके 600 MB तक अभी और खाली हो गया, जो कि मेरा अगर मैं पहले बताऊं तो मेरा था 52.3 GB जो पहले स्टार्टिंग में जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, अभी देख रहे हो मेरा 46.8 GB। तो गाइस ऐसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे कि आप सभी लोगों को स्टोरेज का जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो सके, जो भी आपका नेसेसरी जो एप्स वगैरह है, जो कैचेस वगैरह है, वो ऐसे रिमूव करना है गाइस। और नेक्स्ट स्टेप आपसे लोग करना है, आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है, जाते ही गाइस आपसे लोग को मैनेज स्टोरेज दिखेगा। मैनेज स्टोरेज जैसे ही दिखेगा गाइस जो यूज्ड में आपसे लोग देखेगा 573.2 MB देखने को मिल रहा है और यहाँ लार्जर देन 5 MB देखने को मिल रहा है गाइस, कि आपसे लोग जितने भी मेरे 5 MB से ज्यादा है आप डायरेक्टली यहाँ से उन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए इसको डिलीट करते हैं और गाइस इधर देख रहे हैं आपका जो जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह होंगे, जिनको जिनको आपने डाटा भेजा है, जिनको भी फोटोज वगैरह शेयर कर रहे हैं, उन सब का ये देखने को मिल जाएगा। मैं इसे थोड़ा छुपा ले रहा हूँ गाइस थोड़ा प्राइवेसी कंसल्ट के लिए। तो गाइस आप लोग यहाँ से भी इसे डाटा को क्लियर कर सकते हैं और जब क्लियर करेंगे और आपका स्टोरेज थोड़ा फ्री हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना गाइस, आप से लोग फिर से जाना अपने सेटिंग और जनरल एंड आईफोन्स में। आईफोन में जाते हैं देखेंगे गाइस आपका फोटोज जो है वो, जैसे कि मेरा फोटोज है 17.33 GB देखने को मिला, जो कि बहुत ज्यादा है, जैसे क्योंकि मैं अपने फोन से वीडियोस और फोटोज बहुत ज्यादा बनाता हूँ, इसलिए गाइस मेरा इतना ज्यादा आप लोग को स्टोरेज फुल देखने को मिल रहा है फोटोज में ही सिर्फ। तो गाइस आप लोग को इसे कैसे क्लियर करना है, तो क्लियर तो आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट फोटोज या वीडियो हो सकता है, तो इसे आप लोग एक ही चीज कर सकते हैं कि आप सभी लोग गाइस अपने फोन को अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करते ही गाइस आपके अपने लैपटॉप या पीसी या कोई पेन ड्राइव में आप अपने जितने भी फोटोज हो, जो आपसे लोग मेमोरीज वगैरह हो, जिससे आपसे लोग जल्दी देखते नहीं या यूज नहीं करते, तो उन सारे फोटोज को ट्रांसफर कर देना है अपने लैपटॉप या अपने पीसी या अपने गाइस कोई भी पेन ड्राइव हो उसमें आपसे लोग ट्रांसफर कर देना और यहाँ से डिलीट कर देना। डिलीट करते ही करेंगे गाइस तो आपसे लोग को और ज्यादा कम स्टोरेज देखने को मिलेगा और ज्यादा स्टोरेज आपका खाली हो जाएगा। और गाइस कैसे करना है आपसे लोग को वीडियोस या फोटोज ट्रांसफर अपने आईफोन से अपने लैपटॉप या अपने पीसी में, तो गाइस आप सब लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो में बना के दे दूंगा, आप सब लोग कमेंट करोगे तो गाइस कमेंट जरूर करना अगर आप सब लोग को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और नेक्स्ट स्टेप गाइस आप सब लोग को ये करना है कि अगर आप सब लोग को अपने आईफोन का पूरा खाली करना है या सब कुछ आप सब लोग न्यू जैसा देखने को चाहते हैं, तो आप सब लोग यही कर सकते हैं कि आप अपने फोन का पूरा बैकअप, इनक्रिप्टेड बैकअप आप अपने लैपटॉप या पीसी पे ले लें और अपने आईफोन को गाइस पूरा का पूरा रीसेट मार दें अपने पूरे डाटा के साथ। तो गाइस अगर आपसे लोग अपने फोन को रीसेट मार देंगे बैकअप लेके अपने ऐप में, अपने पीसी या लैपटॉप में, तो आपका फोन लाइक न्यू देखने को मिलेगा और आपसे लोग जैसे रीसेट करके अपने फोन को ऑन करेंगे तो आपसे लोग लैपटॉप से फिर से अपने डाटा को अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे चीजें हैं जो कि आप सभी लोग कर सकते हो अपने आईफोन के स्टोरेज को खाली करने के लिए। और गाइस अगर आपसे लोग गाइस बिल्कुल भी आपके फोन में स्टोरेज नहीं
हैं या आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है आपके स्टोरेज में और आपका कोई भी चीज डिलीट नहीं कर सकते हो, तो गाइस आप से लोग को एक चीज करना है, जैसे कि आप से लोग जो फेसबुक, तो गाइस जाना अपने सफारी ऐप में, सफारी ऐप में जैसे एक फेसबुक देखने को मिल रहा है, तो फेसबुक को आपको क्या करना है, जल्दी जाना है, इसे शेयर के आइकन पे क्लिक करना है, आप से लोग स्क्रॉल करना है और आप से लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ऐड टू होम स्क्रीन, तो इसे ऐड कर देना है। ऐड करते ही गाइस आप से लोग देख सकते हैं यहाँ फेसबुक का लोगो है, आप से लोग देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल ऐप नहीं है, ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सफारी ऐप का ब्राउजर देखने को मिलेगा, इसमें आप से लोग लॉगिन करके अपने फेसबुक आईडी को चला सकते हो। ऐसे ही आप से लोग अगर यूट्यूब को करना है तो यूट्यूब को भी गाइस आप से लोग को डिलीट कर देना है और आप से लोग अपने फोन में सफारी ऐप में जाके यूट्यूब को लॉगिन कर लेना, आप से लोग यूट्यूब भी देख सकते हो ऐसे ही करके। सो गाइस ये सारे स्टेप्स को आप से लोग को फॉलो करना है अपने आईफोन के स्टोरेज को क्लीन करने के लिए। अगर आप से लोग को बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है, अगर आप से लोग को अपने आईफोन का स्टोरेज को क्लीन करना है, तो यही सब स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा गाइस। सो गाइस आई होप आप से लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।